हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। इस वक्त इस शहर में क्या कर रही है? मैं यहाँ पे फिल्म करने आई हूँ बाप जी। चूंकि सभी लोगों को पता होगा, हम मेरी और केसारी जी की साजन चले ससुराल आई थी हसीना मान जाएगी, जिसमें मैं केसारी जी की बहन बनी थी। और दर्शकों को पता होगा, हमेशा टीवी में आता है। इस बार मुझे फिर से बहन बनने का मौका मिला, तो मैं ये मौका खोना नहीं चाहती थी। रितु पांडे, ज्यादातर किस तरह करेक्टर करना पसंद करती हैं आप? ऐसे मैं अपने चुनिंदा किरदारों में सबसे ज्यादा अगर मैं पसंद करती हूँ तो नेगेटिव करना। लेकिन चूंकि कलाकार थिएटर से हूँ, तो हर किरदार आज के डेट में मैंने प्ले किया है और मुझे उस पर खरा मेरे दर्शकों ने उतारा है। और कौन कौन से कलाकार आपके साथ है? मेरे साथ इस फिल्म में है मनोज टाइगर जी, प्रकाश जैश जी, संजय वर्मा और केसारी जी हीरो है, रितु सिंह हीरोइन है, डायरेक्टर देव पांडे है, प्रोड्यूसर यहाँ पे प्रेम सागर जी हैं। बस इस तरह के बहुत उम्दा कलाकार हैं। एक माँ का दादी का जो भूमिका कर रही है भानु पांडे जी हैं, सोनी पटेल है, सब अच्छे कलाकार। कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है इसमें। आपको छोड़ के सारे अच्छे हैं ना? देखो, मैं अच्छी हुई है तो नहीं, मैं कभी अपने मुँह मिट्ठू नहीं बनती, लेकिन बाकी सारे कलाकार अच्छे हैं। आप अच्छी नहीं है अपने आप को मानती हैं? खुद से अगर खुद की अच्छाई करे, तारीफ करे, तो फिर वो तो वही हो गया कि ना, खुद मुहा मिठू बनना, दूसरे करे तो ज्यादा बेटर है। कितने साल हो गए आपके इस इंडस्ट्री में? मुझे करीब स्ट्रगल पकड़ के 20 साल हो गए। कभी अफेयर हुआ किसी के साथ? हाँ हुआ। नाम ले लीजिए उसका। नहीं, नाम इसलिए नहीं ले सकती हूँ क्योंकि अगर जिसका प्यार होता है ना, वो अपने प्यार को बदनाम नहीं करना चाहता। हाँ, मुझे खुशी है कि अगर मेरा जिससे भी अफेयर रहा हुआ होगा या फिर अटैचमेंट रहा होगा, वो कामयाब है। बहुत सारे दर्शक हैं जो आपके साथ शादी में जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका स्वागत करती हूँ कि वो लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझे अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन ये है कि आप मुझे प्लीज फिल्मों में देखिए दुल्हन के रूप में, क्योंकि रियल लाइफ में मैं सबकी दुल्हन नहीं बन सकती हूँ। बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। बाप जी में क्या कर रही हैं? बाप जी में मैं बड़ी बहन का रोल कर रही हूँ। केसारी जी मेरे भाई हैं। मनोज टाइगर, जिनके साथ आप लोगों ने मुझे कई फिल्मों में देखा होगा, उनकी मैं बेटी बनी। चलिए, तो केसारी जी को राखी बांधा आपने? फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि भाई 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 है वो मेरे इस फिल्म में। तो कभी राखी बांधने का मूड होता है केसारी जी को? नहीं, क्योंकि मेरे पास जो मेरे भाई हैं, मैं उनको राखी बांध लूँ वही काफी है। और अगर मैं केसारी जी को राखी बांध दूंगी तो मैं रोमांटिक सीन अगर कभी कहीं रहा तो मैं कर नहीं पाऊंगी। इस गरीब को मेंटेन करना पड़ता है। कैसा लगा यहाँ आकर इस शहर में आपको? कितना मजा आया? बहुत अच्छा। रितु पांडे, रितु सिंह, दो रितु हैं, दोनों कभी झगड़े होते हैं? नहीं, मेरा ये तीसरी मुलाकात है रितु सिंह के साथ। शुरुआती दौर पे जब रितु सिंह यहाँ पर आई हुई थी तो मुझे काफी लोग उनके कॉल्स मुझे मेरे कॉल्स, लेकिन हम अभी जब भी मिले, अच्छे से मिले, तो बहुत अच्छा लगा। और उसको मैंने ये भी कहा कि रितु का नाम हमेशा ऊंचा रख। रितु कभी लड़ाई करने क्या सोचती है कि नहीं कभी अंदर से? हमारी कोई कंपेयरिंग नहीं है, तो लड़े किस पर की? ऐसे कभी मस्ती नहीं, हाँ हमारी कोई कंपेयरिंग नहीं है, क्योंकि जो दर्शक मुझे जानते हैं वो मुझे ही जानेंगे। एक ही नाम से जरूरी नहीं है किसको नुकसान हो रहा है, किसको बेनिफिट हो रहा है। हाँ, ये जरूर होता है कि हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होता है। तो जो जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ, दिनेश लाल यादव जब हिट हुए, पॉपुलर हो गए, तो लोग उनको ही निरहुआ जानते थे। उसके बाद कई निरहुआ पे फिल्में बनी, निरहुआ आए, लोग उनको नहीं जान पाए। तो कहीं ना कहीं नाम का थोड़ा प्लस और माइनस होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कौन कौन सी फिल्में आपकी आ रही है? मेरी अभी आप लोगों ने देखी होगी विवाह मेरी बहुत अच्छा है, चिंटू है उसमें, और उसके बाद मजनू पंचाली आएगी, उसके बाद ये फिल्में हैं। तो ऐसे कई सारी फिल्में जो एक से एक हैं आप लोगों के सामने। आपके साथ इस फिल्म में और कौन से आर्टिस्ट हैं जिसके साथ अभिनय कर रही हैं? मैं इस फिल्म में मेरे साथ में है मनोज सिंह टाइगर, इस फिल्म में मेरे साथ है हीरो हीरोइन की बात करें तो केसारी जी हैं, रितु सिंह हैं, मनोज टाइगर, प्रकाश जैश, संजय वर्मा, भानु पांडे, अपना सोनी पटेल, ऐसे सारे किरदार हैं यहाँ पर। आपका जो करेक्टर होता है हमेशा कॉमेडी से निगेटिव साइड होता है, कभी इच्छा होगी आप भी हीरोइन बने? जब मैं हीरोइन के लिए आई थी मार्केट में, तो बहुत सारे ऐसी चीजों से मुझे
फील कराया गया उस फील्ड से मैं आपको क्या रूबरूगा, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे हीरोइन बनना चाहिए, क्योंकि मैं किरदार में ही हीरोइन, मेरे दर्शक मुझे किरदार में अगर हीरोइन मानते तो मैं हीरोइन हूँ और हमेशा वैसे ही रहना चाहती हूँ, ऑलराउंडर। दर्शकों से कुछ करना चाहेंगी? दर्शकों ने मुझे कॉमेडी में पसंद किया तो मैं कॉमेडी बनी, दर्शकों ने मुझे विलन में पसंद किया मैंने नेगेटिव विलन में किया उसमें भी मुझे दर्शकों ने ही पसंद किया, दर्शक मुझे जब भी जिस रूप में पसंद करते हैं मैं हमेशा वही रूप में आना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।